सुन रहा कपिल शर्मा शो। आजकल बच्चे बड़े खुश हैं, छुट्टियां चल रही हैं, स्पेशली वैसे बच्चे मेरे जैसे जिनको स्कूल जाना अच्छा लगता ना। हाँ। अच्छा देख लो जो जो बच्चे होशियार होते हैं पढ़ाई में, हाँ। जो दूध बादाम वाले बच्चे होते हैं, हाँ। वो तो सुबह बड़ी खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। मेरे जैसे होते ना जो बासी भिंडी के साथ पराठा खा के सुबह दिल भी नहीं करता, होमवर्क भी नहीं किया होता उनका, सुबह उठते एक्सप्रेशन ऐसे होते। सुबह उठते ही माँ बाप को ये धीरे धीरे ना बिल्डअप करते हैं, यहाँ से शुरू होता है फिर। अच्छा जब वो चीख चिहाड़ा डालता है वो कैसे करता है करके जो के हाँ उनको घसीट के बाथरूम तक लेके जाना। मैं नहीं बेटे नहा चले मेरे पेट दर्द हो रहा है जा रहा। फिर माँ हाथ पकड़े मेरी अच्छा मुझे पता होता तू कहाँ टनाटन करेगा मुझे पता है। ऐसे बच्चे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हाथ ऐसे गलत ताकि यूनिफॉर्म ना पहनाए। बाप हाथ पकड़ता है, मां टांगे पकड़ती निक्कर चढ़ाती है, बड़ी मुश्किल से ऐसे बच्चे को, फिर जिद्दी बच्चा होता है ना टांगे चलाता है, फिर एक हाथ बाप के मुंह पे भी लग जाती है। बाप दुखी कि जिसने पैदा किया वो भी मारती है और जिसको पैदा किया ये भी मारता, मैं दुनिया में मार खाने आया। फिर माँ तो उस समय बोलती मैं तेरे बाप को सीधा कर दूं, तू क्या क्या है कैसे बच्चा सीधा ना शर्ट बना देते हैं। स्कूल की बस आती तो उसको बताना भी नहीं अपने दोस्तों को कि मैं रो रहा था, फिर अपने एक्सप्रेशन रोकता है। दूसरी एक बड़ी खूबसूरत सी फिल्म आ रही है जिसका नाम है इंदु सरकार, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनके खूबसूरत कलाकारों को यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम वेरी चार्मिंग हैंडसम मिस्टर नील नितिन मुकेश एंड वेरी ब्यूटीफुल कीर्ति कुल्हारी। नील आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम कीर्ति, वेलकम वेलकम, जोरदार तालियां हो जाए। नील कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा आपके आने से पहले आपके दादाजी जी लेजेंडरी सिंगर मुकेश साहब का गाना सर हमें सुना रहे थे, तो आज देखिए सौभाग्य से आपने जिनका गाना गाया ये उन्हीं के पोते हैं। नील और कीर्ति दोनों हमारे शो पे पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अपनी अदाकारी से राज़े दिल खोल जाते हैं। वाह क्या बात। ये अल्फाजों से नहीं इशारों से बोल जाते हैं। थैंक यू। वाह। बुझी हुई राख बदलती है शोलों में, पर जब जागती है जनता सरकारों के सिंहासन डोल जाते। कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। इनकी मूवी का ट्रेलर मैंने देखा इंदु सरकार का, बहुत ही दमदार रोल आप लोगों ने निभाए हैं, आप प्लीज बताएंगे कि आपकी फिल्म किस बारे में है? फिल्म इमरजेंसी के बैकड्रॉप में है, 1975 की कहानी है, पीरियड फिल्म है। मैं इंदु सरकार का किरदार प्ले कर रही हूँ फिल्म में, और शी लॉस्ट हर पेरेंट्स जब वो बहुत छोटी थी, तो उसे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। बड़ी होके सिर्फ एक मकसद है उसकी ज़िंदगी का कि वो शादी करना चाहती है और एक अच्छी बीवी बनना चाहती है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उसके और उसके पति के बीच, जहाँ से चलते चलते उसकी ज़िंदगी जो उसने बहुत संभाल के बहुत प्यार से बनाई थी वो बिखरनी शुरू होती है, और उस बिखराव में सब कुछ तो बिखर जाता है लेकिन इंदु सरकार अपने आप को पा जाती है, अपनी आवाज़ को पा जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा नील का पूरा नाम है बताऊँ, नील नितिन मुकेश चंद माथुर। नील जब आप एग्जाम में अपना नाम लिखते होंगे जी, उतनी देर में बाकी बच्चे तो पूरा पेपर दे देते होंगे। बड़ा खूबसूरत नाम है नील, इन्होंने रखा था ये आपका नाम? मेरे नाम को एक्चुअली मेरे पिताजी ने चुना। अच्छा जी। मगर कई नाम थे, अक्षर था न, तो न के साथ कई नाम आए थे, निखिल था, नील था, नीरज था, तो लता दीदी आई थी घर पे। अच्छा जी। नामकरण के दिन पे, और उन्होंने कहा कि अंग्रेज का बच्चा दिखता है तो अंग्रेजों वाला नाम होना चाहिए, तो नील रखा गया, और इसलिए नील का स्पेलिंग भी NEIL था जी। तो स्कूल में जो है नाम बहुत छोटा था, नील माथुर।
ओके वो जब मैं फिल्मों में आया तब मेरा नाम थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है जो मेरे पिताजी ने मेरे दादू के गुजरने के बाद अपना ली थी जी. क्योंकि उन्हें लगा कि अपने पिताजी का नाम अगर वो अपने साथ जोड़ के रखें तो उनकी यादें जोड़ पाएंगे. तो एक बेटे और एक पोते के नाते ये मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं मेरे पिताजी और मेरे दादू का नाम लेके कोशिश करूं कि आप लोगों के साथ. बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका. अब वक्त है फिल्म इंदु सरकार के डायरेक्टर साहब को यहाँ पे बुलाने का. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर मधुर भंडारकर एंड द किंग ऑफ डिस्को मिस्टर बप्पी लहिरी. वो अच्छा भपीदा जब भी आए ना हमें आदत है आई एम अ डिस्को डांसर एंट्री लेते हुए. आज एक कवाली पे इन्होंने एंट्री ली है बिकॉज इनकी फिल्म में भी ये है. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. मधुर सर भपीदा थैंक यू. मैंने ऐसा सुना ही है पाजी कि भपीदा जिस भी फिल्म में म्यूजिक देते हैं ना उस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं वो इनका नाम लेके बैंक से लोन ले लेते हैं. बैंक वाले दे भी देते हैं 5-10 करोड़ लोन दे दो 12-14 करोड़ तो गले में पहन के घूमते हैं. मधुर सर आई लव योर जोक. आई लव यू भपीदा. अच्छा मधुर सर ने एक स्पेशल गाने के लिए भपीदा को रिक्वेस्ट की. मधुर सर उसके पीछे क्या रीजन था वो गाना भपीदा ही क्यों? वो इसलिए था कि अन्नू साहब जो हमारे म्यूजिक कंपोजर है जी और हम लोग चाहते थे एक ट्रिब्यूट जो है वो आरडी बर्मन साहब को दे कि मैं पंचम दा का बड़ा फैन हूँ और वो गाना है दिल्ली की रात. और मैं चाहता था कि 70s में भपीदा का एक स्टाइल होता था उनके गाने का और मैं चाहता था भपीदा से गाना गवाओ. तो अनु जी ने कंपोज किया बप्पी दा ने वो गाना गाया और आरडी बर्मन स्टाइल पूरा हमने रेट्रो उसका फील है पूरा दिया एंड बप्पी दा ने बहुत ही कमाल से उसको गाया और बहुत अच्छा उन पे शूट भी किया वो गाना जो जल्दी लॉन्च होने वाला है. तो बप्पी दा वो गाना हो ही जाए फिर पूरा माइक में आपको दे देता हूं. खड़ा होके गाना पड़ेगा बैठ के नहीं मजा नहीं आता. सलाम करो तो के बाप आए हैं. सलाम करो तो के बाप आए हैं. कमाल है कि आप आए हैं. कमाल है कि आप आए दिल्ली की रात ना जाइए. दिल्ली की रात ना जाइए. दिल्ली की रात ना जाइए. हेलो फॉर वेलकम. हेलो Awesome, hello, you're welcome. Dil ki raat hai na jaiye. Dil ki raat hai na jaiye. Dil ki raat hai na jaiye. Aur dekhte rahiye Kapil Sharma ji ko. Namaskar. कपिल शर्मा जी का शो देखिए. सिद्धू जी को नमस्कार. और देखते रहिए इंदु सरकार. और है मधुर भंडारकर साथ में आए हैं. नमस्कार. क्या बात है वाह भपीदा. क्या बात है वाह. वी लव यू भपीदा. प्लीज रंग जमा देते हैं जब भी आते हैं. भपीदा सिद्धू साहब मिनिस्टर बन गए. मुबारक मुबारक तुझे यहाँ. ये क्या. अरे बताना तो होता है बप्पीदा. मतलब अब तो 1990 पे ना चला जाना. तो बप्पीदा मैंने इसलिए बताया कि सिद्धू सर का एक सवाल था. कह रहे थे कि जीएसटी आने के बाद आपको कोई नोटिस वगैरह आया सरकार का. ये हमको लगा था आप ये पूछेंगे. सुनिए जीएसटी तो जो हुआ है जी. मैं तो 45 years हो गया ऐसे ही गोल्ड लेके घूम रहे. तो जीएसटी आया है बहुत अच्छा है. एवरीथिंग इज ओके. इसलिए मैंने गाना किया था
ना सोना ना चांदी गीतों से मेरा प्यार गोरों की न कालों की हस के जिए हस के मरे हम जैसे दिल वालों के ओ गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की क्या बात है बप्पी दा मधुर सर आपकी फिल्मों के ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं बड़े चैलेंजिंग होते हैं डिफरेंट होते हैं चाहे मैं ट्रैफिक सिग्नल की बात करूं या चाहे चांदनी बार की बात करूं आपको मजा आता है ऐसे सब्जेक्ट्स मुझे लगता है कि अलग अलग इशू पे अलग अलग टॉपिक पे फिल्म बनाना जो चांदनी बार से एक सिलसिला शुरू हुआ है जी चाहे पेस्ट्री हो कॉर्पोरेट हो हीरोइन हो मुझे अच्छा लगता है कि उस तरह का विषय अलग टॉपिक अलग लोगों को उजागर भी करता है और लोगों को समझ भी आते हैं कि ये एरिया के बारे में मुझे अच्छा लगता है कि एक स्टोरी टेलर के नाते इस तरह की फिल्में लोगों को कनेक्ट करती है और मेरे ख्याल से कई चीज़ें उनको सीखने मिलती है पर बड़े ही मज़ेदार सब्जेक्ट हुए हैं पेज थ्री का तो मैं इतना फ़ैन हूँ और जो डिटेलिंग में आपने दिखाया हाँ। उसके बाद फैशन या चांदनी बार आपकी तमाम फिल्में और इंदु सरकार का जो ट्रेलर दिखाई ये भी बड़ा मज़ेदार लग रहा है तो ढेर सारी शुभकामनाएं नमस्कार हेलो 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 लीजिए जरूरत से ज्यादा हेलो हमने डिलीवर कर दिया अपने हिसाब से बांट लीजिएगा फिर उनको हेलो मुझे कोई नहीं सर आपको हेलो नहीं देंगे आप यूज कर लेते हैं क्या करने आया बच्चा यार एक प्रॉब्लम चल रहा है सर क्या है हमारी जो भैंसिया है ना एवरी डे गिविंग व्हाइट मिल्क सर कलर में कोई वैरायटी नहीं आ रहा है लाइफ बिकमिंग वेरी मोनोटोनियस पाजी आपको पता है बच्चा पागल हो गया परसों अपनी मम्मी को बोल रहा था कि 15 साल से एक ही बापू कुछ वेरिएशन लाओ अच्छा तू कैसी बातें कर रहा है आजकल यार आप तो सीधा हमारे पापा पे चले गए यार उन पे तो हम ही नहीं गए तू तू किस पे गया हम साइकिल पे गए यार ऑटो मिला नहीं देखिए बड़ा मजा आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे वी हैव विद अस वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर इन आवर इंडस्ट्री मधुर भंडार मधुर भंडारकर कर किधर गया कर सारे चले गए यार जीएसटी लागू हो गया है लेकिन गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपकी जो वाइफ है ना बहुत लंबी होंगी ऐसे कैसे जिसके बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम इतना बड़ा नाम है तो बीबी तो लंबी होगी वैसे सर आपका कॉलेज लाइफ में भी बड़ा प्रॉब्लम होता होगा क्योंकि आपका गर्लफ्रेंड ऐसा अपने पापा के पास जाके बोलती होगी मुझे प्यार हो गया है नील नितिन मुकेश से पापा गुस्सा एक से कर भाई तीन तीन से क्यों फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़